विधानसभा चुनाव 2023 के लिए कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र को रविवार को जारी कर ही दिया। हालांकि विभिन्न मंचों के माध्यम से कांग्रेस ने अब तक कई घोषणाएं की थी, उन्हें भी घोषणा पत्र में शामिल किया गया है। इनमें प्रमुख रूप से किसानों का कर्जा माफ, जातिगत जनगणना कराने, 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी, 17.5 लाख गरीब परिवार को आवास, तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार को 4,000 रुपए वार्षिक बोनस, लघु वनोपज के समर्थन मूल्य में 10 रुपए अतिरिक्त, सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से पीजी तक शिक्षा निशुल्क, गरीबों को 10 लाख, अन्य को 5 लाख रुपए तक के निशुल्क इलाज, भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना की राशि बढ़ाकर 10,000 रुपए, सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपए की सब्सिडी सहित अन्य घोषणाएं शामिल है। 400 यूनिट तक के बिजली बिल आधा करने की बात हो, 4,000 प्रति मानक बोरा के दर से तेंदुपत्ता खरीदने की बात हो, चाहे छत्तीसगढ़ के 4 चिनारी, नरवा गरवा घुरवा बाड़ी की बात हो, ये सब वादे हमने किए थे और वो काम अभी चल रहे हैं। जो काम जो घोषणा पिछली सरकार में किए थे वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे 35 किलो चावल नमक मुफ्त देने की बात है, वो निरंतर जारी रहेगा। जैसे हमारे नरवा प्रोजेक्ट है, 13,000 नाले हमने पूरे कर लिए हैं, 30,000 हमारे छत्तीसगढ़ में नाले हैं, उसको वाटर रिचार्जिंग करने का काम हम लोग करेंगे। और जिस प्रकार से गौठान लगभग 10,500 गौठान बन चुके हैं और उसमें से 6,600 गौठान स्वावलंबी हो चुके हैं, अब वो कार्यक्रम निरंतर जारी रहेंगे, बल्कि उसको और मजबूती प्रदान करने का काम हम लोग करेंगे। जो बाड़ी योजना है उसे भी और आगे बढ़ाने का काम हम सब करेंगे। आदरणीय साथियों, इस चुनाव में जो घोषणा पत्र लेकर आए हैं, भरोसे का घोषणा पत्र है, भरोसा बरकरार, फिर से कांग्रेस सरकार, वादा है फिर निभाएंगे। तो पहली बात, इसमें से गारंटी के रूप में हमारे नेता राहुल जी, खड़गे जी, प्रियंका जी, शैलजा जी ने गारंटी के रूप में दी है, तो 20 क्विंटल धान खरीदी की शुरुआत तो हम लोगों ने पहले कर दिया, 1 नवंबर से शुरू हो चुका है। दूसरा, इस बार भी किसानों का कर्ज माफ होगा, 20 क्विंटल प्रति एकड़ तक के धान खरीदी हम करेंगे। सभी सरकारी स्कूलों कॉलेजों में केजी से लेकर पीजी तक शिक्षा मुफ्त होगी, जिसमें चाहे वो नर्सिंग कॉलेज हो, पॉलिटेक्निक हो, चाहे वो साइंस हो, आर्ट हो, कॉमर्स हो, या फिर इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, छत्तीसगढ़ के कोई भी वर्ग के बच्चे यदि अध्ययन कर रहे हैं तो उसे कोई एडमिशन फीस नहीं लगेगा और कोई ट्यूशन फीस नहीं लगेगा, मुफ्त में शिक्षा होगी। मैं समझता हूँ देश में ये पहली बार इस प्रकार से घोषणा पत्र में लाए हैं। तेंदुपत्ता हम लोगों ने, राहुल जी ने 4,000 हर साल अतिरिक्त देने की बात उन्होंने कही थी, लेकिन तेंदुपत्ता के जो प्रति मानक बोरा के जो दर है अब वो 6,000 प्रति मानक बोरा के होगा। उसी प्रकार से भूमिहीन के लिए जो घोषणा राहुल जी ने की थी, 7,000 से बढ़ा के 10,000 किया जाएगा। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि जहां किसानों की कर्जा माफ की बात और 20 क्विंटल धान खरीदी की बात की थी, राजीव गांधी किसान न्याय योजना में मिलने वाली इनपुट सब्सिडी सहित किसानों को जो धान की कीमत अब मिलेगी वो 3,200 रुपया प्रति क्विंटल होगा। उसी प्रकार से 200 यूनिट तक के बिजली बिल फ्री, इसकी गारंटी हमारे नेताओं ने पहले दी। गैस सिलेंडर में सभी आय वर्ग के माताओं बहनों को महतारी न्याय योजना के लागू कर प्रति सिलेंडर रिफिल करने पर 500 रुपये की सब्सिडी, घर के महिलाओं को बैंक खाते के द्वारा सरकार सीधे उनके खाते में जमा कराएगी। ग्रामीण क्षेत्र में 17.5 लाख आवास बनाए जाएंगे, जिसमें 7.5 लाख के पहले किस्त पहुंच चुकी है, 10 लाख आवास
आने वाले 5 वर्षों में फिर से हम बनाएंगे। लघु अनुपज के कीमत में 10 रुपया प्रति क्विंटल प्रति किलो उसमें वृद्धि की जाएगी, चाहे महुआ हो, चाहे इमली हो, चाहे अमचूर हो, इसमें 10 रुपया प्रति किलो के हिसाब से वृद्धि की जाएगी। स्वास्थ्य के हिसाब से 10 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज कराया जाएगा। पहले 5 लाख था डॉक्टर खूबचंद अखिल स्वास्थ्य सहायता योजना, अब वो 10 लाख तक के, और APL परिवार जो है केवल 50,000 तक के उसको छूट मिलती थी, अब उसे बढ़ाकर 5 लाख रुपया उसका किया जाएगा। दुर्घटना में इलाज, छत्तीसगढ़ के निवासी सड़क दुर्घटना में तथा अन्य आकस्मिक दुर्घटनाओं में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निःशुल्क स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, चाहे वो राशि कितनी भी हो, उसके इलाज सरकार वहन करेगी। तीवरा का भी समर्थन मूल्य हम लोग घोषित करेंगे और उसमें खरीदी की व्यवस्था की जाएगी। परिवहन व्यवसायी जो है, जिसके राज्य में परिवहन व्यवसाय से जुड़े 66,000 से अधिक वाहन मालिकों के वर्ष 2018 तक 726 करोड़ रुपए के जो बकाया मोटर यान कर है, शास्ती है और ब्याज के कर्ज माफ़ की जाएगी। उसी प्रकार से रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क 300 है, अब उस 700 बढ़ा के 1,000 रूरल इंडस्ट्रियल पार्क और अर्बन इंडस्ट्रियल पार्क बनाए जाएंगे, ताकि युवाओं को, महिलाओं को रोजगार के नए अवसर मिल सके। सभी सरकारी स्कूल बनेंगे अब स्वामी आत्मानंद स्कूल, इसमें अभी तक के 753 स्कूल हम लोगों ने उन्नयन किया है। अब 6,000 जो शासकीय हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी स्कूल है, उसका उन्नयन उसी तर्ज पर किया जाएगा जैसे स्वामी आत्मानंद स्कूल बने हैं। स्वसहायता समूह के भी कर्ज माफ होंगे। महिला स्वसहायता समूह के तीसरा, बच्चों की पढ़ाई निःशुल्क होगी। चौथा जो इलाज है, अब वो 10 लाख तक के डॉक्टर खूबचंद बघेल, विशेष स्वास्थ्य सहायता में 25 लाख तक के, और दुर्घटना हो गया तो जितनी राशि हो, एक मिनट उसे पूरी जवाब दे दूं। और ये ऋण माफ़ी होगा उसका लाभ तो भाजपा वालों ने ऋण माफ़ी नहीं कहा, बिजली बिल हाफ की बात उन्होंने नहीं कही, शिक्षा में छूट की बात तो उन्होंने नहीं कही, ठीक है ना। तो उससे कई गुना ज़्यादा हम प्रत्येक परिवार को लाभ दे रहे हैं। 3200 रुपये यदि हम धान का कीमत दे रहे हैं, ये देखिए एक चीज़ ये है, जो प्राइवेट बैंक है वो इसमें नहीं आएगा, लेकिन कमर्शियल बैंक में इसका लाभ मिलेगा। लेकिन लिमिट जो है वो जो हमारे कोऑपरेटिव बैंक में प्रति एकड़ जो ऋण लेने की जो लिमिट है, उतना ही उसमें कमर्शियल बैंक में उतनी राशि उसके खाते में पहुँचेगा। इंफ्रास्ट्रक्चर तो लगातार हम लोग कर रहे हैं, उसमें अभी देखिए 16,000 करोड़ का हमने PWD में काम किया है, चाहे सड़क हो, पुल पुलिया हो, बिल्डिंग हो। अब जैसे हमने हमारे 8 मेडिकल कॉलेज हैं, तो मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग बनेगा ही, तो उसे बताने की ज़रूरत नहीं। बहुत लंबा पोथा आप कर दें तो वो कोई पढ़ता नहीं है, इसलिए इसको 60 में रखे हैं। ये जो किसानों को, मजदूरों को, लघु उनपद संग्राहकों को, महिलाओं को, युवाओं को जो लाभ देना है उसी भर को इसमें किए हैं। बता तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप, अभी जैसे पूरे एशिया में सबसे बड़ा हमारा होलसेल कॉरिडोर हमने शिलान्यास किया है रायपुर में, और पहले भी हम लोग कह चुके हैं कि हर शहर में, हर ज़िले में इसका कॉरिडोर हम लोग बनाएंगे। तो उस बात को उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, उस दिशा में हम लोग काम करेंगे। अभी व्यापारियों की मीटिंग हुई थी राजनांदगांव में, तो हम लोगों ने इस बात को उल्लेख किया है, तो उसको बताने की ज़रूरत नहीं, वो काम करेंगे ही। संविदा कर्मी के लिए रमन सिंह जी हड़ताल में गए थे, समर्थन किए थे, अपने घोषणा पत्र में उसको शामिल नहीं किया, जबकि उसको शामिल करना था जब धरना में गए। और मैं तो कहता हूँ भारत सरकार, क्योंकि संविदा कर्मी में बहुत सारे NHM में सबसे ज़्यादा है, यदि भारत सरकार अपना हिस्सा 60% देने को तैयार है, तो
तो हम 40% हम देंगे, परमानेंट हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार दे तो, क्योंकि 60% तो उसका है, योजना उसकी है, तो यदि वो सहमत है तो हम कर देंगे परमानेंट। वो तो कर ही रहे दादा, उसमें बताने की क्या जरूरत। मैं क्या बोला कि जो ऑन गोइंग हमारे जितने भी प्रोग्राम हैं वो जारी रहेंगे, जैसे छत्तीसगढ़िया ओलंपिक, आदिवासी नृत्य महोत्सव, रामायण महोत्सव है ना, और जैसे मॉडल जैतखम बनाने के बाद, चाहे वो आदिवासियों के हमारे, चाहे देवगुड़ी ठाकुर देव, पेनगुड़ी माता गुड़ी, ये सब जो बन रहे हैं, वो सब काम तो निरंतर चलते ही रहेंगे।